हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सीलिंग फ़ैन कुछ दिन के बाद से क्यों स्लो हो जाता है। जैसे नया लेते हैं हम लोग तो पंखा स्पीड के साथ चलता है, और कुछ समय के बाद से जैसे 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना या फिर 1 साल के बाद पंखा स्लो क्यों हो जाता है। तो आइए इस विषय में आपसे बात करूँगा और समझाऊँगा आपको कि पंखा कुछ समय के बाद से स्लो क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज लेकर आता रहता हूं जो आपके फायदे के लिए बेहतर रहेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पंखा स्लो चलने का कारण मैं बता रहा हूं आपसे कि सबसे फर्स्ट कारण यह है कि अपने घर में थोड़ा सा भी वोल्टेज कम हो जाता है तो पंखा स्लो चलने लगता है। जैसे पंखे के लिए 200 से 220 वोल्ट चाहिए एक्चुअल, 230 वोल्ट तक, लेकिन हम लोगों के घर में कभी 150 कभी 175 वोल्ट आते हैं, इस कारण पंखा स्लो हो जाता है। तो अगर वोल्टेज सही हो फिर भी पंखा स्लो चल रहा हो तो सबसे पहले देखना चाहिए कि पंखा हमारा फ्री है कि नहीं। जैसे ये पंखे मेरे हाथ में जो है वो ऐसे चला कर देख लेना चाहिए कि बिल्कुल फ्री है कि नहीं। तो देखिए, मैं अपने हाथ में जो पंखा चला रहा हूँ, ये फ़ैन बिल्कुल फ्री है। देखिए, एक बार चलाने के बाद से कुछ देर के बाद बंद हो रहा है, काफ़ी समय के बाद से बंद हो रहा है, अभी तक भी चल रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि स्विच ऑन करके फिर स्विच ऑफ कीजिए तो पंखा देखिए कितने समय के बाद से रुकता है। अगर वो तुरंत रुक जाता है, ऐसा लगे कि आपको इसका वायरिंग जाम टाइप का हो, तो उसे तुरंत रुक जाएगा। इस पोजीशन में भी पंखा स्लो चलता है। तो इस पोजीशन में पंखे के वायरिंग को सफाई और ग्रीसिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, आप इस पोजीशन में पंखा को ग्रीसिंग ज़रूर कराएँ और सफाई कराएँ। और ग्रीसिंग और सफाई के वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, जो आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं। और तीसरी कारण ये होती है फ़ैन स्लो चलने का कि कैपेसिटर होता है फ़ैन में, जो ये कैपेसिटर है इस फ़ैन में लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को वीक, ख़राब या कमज़ोर हो जाने के कारण भी पंखा स्लो चलने लगता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। अगर कैपेसिटर, आप कैसे जानेंगे कि मेरा कैपेसिटर ख़राब है कि क्या है। जैसे इस फ़ैन में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस फ़ैन का भी प्रॉब्लम वही है कि ये पंखा स्लो चल रहा है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये बिल्कुल फ्री है और वोल्टेज भी ठीक है जहाँ ये लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्लो चल रहा है सप्लाई देने के बाद से। इसका मतलब हुआ तीसरी कारण, या इसका कैपेसिटर ख़राब है इसीलिए ये स्लो चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर इसका है, एक्चुअल में कैपेसिटर ब्लास्ट कर गया है, ये फट गया है ये कैपेसिटर। आइए मैं आपको कैपेसिटर चेक करने का बता रहा हूँ कि इसको कैपेसिटर को आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कैपेसिटर चेक करने के लिए टेस्टिंग लैंप का होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास ये पड़ी हुई है टेस्टिंग लैंप, इसमें 100 वाट की बल्ब लगी हुई है। टेस्टिंग लैंप सीरीज को बनाने का भी मैं वीडियो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसे आप आई लिंक दबाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस कैपेसिटर की दो लीड जो आउटपुट के लिए बाहर निकली होती है, ये दोनों ब्लैक टाइप का जो मेरे हाथ में दिख रही है, उसको आप सीरीज बोर्ड में लगाएंगे जिसमें 100 वाट की बल्ब लगी हुई है। तो जैसे मैं इसको लगा कर चेक कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये लगी हुई है लेकिन बल्ब की तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है, बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है। इसको सप्लाई से निकाल कर इसको शॉर्ट किया जाता है। देखिए, इसे शॉर्ट करने पर इसमें चटाक की आवाज़ आनी चाहिए, स्पार्क आना चाहिए, और इसको सप्लाई में देने से बल्ब को कम से कम 5 या 10% तक इसको जलनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये नहीं जल रही है। इसका मतलब ये कैपेसिटर ख़राब हो चुकी है। ये देखने में भी फट गई है, ख़राब लग रही है, इसको अलग रख देते हैं। मेरे पास एक और कैपेसिटर है जो बढ़िया कैपेसिटर है, ये 2.5 का है, और ये भी कैपेसिटर 2.5 का ही है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है, और ये भी 2.5 का कैपेसिटर है। तो आइए दोस्तों, कैपेसिटर, बढ़िया कैपेसिटर को मैं चेक करते हैं। तो इसको सप्लाई में डालेंगे, सीरीज की सप्लाई में डालेंगे कभी भी दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई में नहीं चेक करना है इसको, किसी भी कैपेसिटर को। देखिए, सप्लाई में गई है तो ये बल्ब 5 या 10% तक जल रही है। देखिए, लाइट बंद कर देने के बाद से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना जल रही है ये। और इसके बाद से इसको निकाल कर इसको स्पार्क करेंगे, फिर इसको लगाएंगे दोबारा। किसी भी कैपेसिटर को 2 या 3 बार जरूर चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें चटाक की आवाज़ आई है,
इसका मतलब हुआ ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। देखिए ये कितने बढ़िया आवाज़ आ रही है, जितने तेज़ आवाज़ आएगी कैपेसिटर में उस कैपेसिटर को उतना ही सही माना जाएगा। और बल्ब हल्की सी जलना चाहिए, 2.5 के कैपेसिटर सीरीज सप्लाई के साथ देने पर हल्की सी जलना चाहिए और इसमें तेज़ आवाज़ आनी चाहिए जैसे ये आ रहा है। ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। और कैपेसिटर कुछ कमज़ोर हो जाते हैं तो ये बल्ब थोड़ा सा धीमी जलती है और ये जो इसमें साउंड जो आ रहा है चट की ये थोड़ा कम आती है, तो उस कैपेसिटर को कमज़ोर माना जाता है, वीक माना जाता है, इससे भी पंखा स्लो चलती है। इससे ये थोड़ी सी ये मेरे हाथ में तीसरी वाली कैपेसिटर है, ये थोड़ा सा वीक है, इसमें क्या होगा कि बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगी या हल्की जलेगी, ये बिल्कुल नहीं जल रही है लेकिन इसमें से शॉर्ट करने पर थोड़ी सी आवाज़ आएगी लेकिन हल्की आवाज़ आएगी। इसका मतलब हुआ कैपेसिटर पूरी तरह से ख़राब नहीं हुई है, थोड़ी सी वीक हो गई है। तो दोस्तों सही तरीका यही है कि कैपेसिटर चेक करते समय बल्ब को हल्की सी 5 या 10% जलनी चाहिए और इसे शॉर्ट करने पर इसमें से आवाज़ आनी चाहिए, चटाक की आवाज़ आती है तो समझ लीजिए कैपेसिटर सही है। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है और इस कैपेसिटर को इसमें लगाकर और हम इसे कनेक्शन करते हैं। इस तीनों लीड में वाइट वाला न्यूट्रल यानी कॉमन है और ये दोनों रेड और ब्लैक जो कलर का दिख रही है ये दोनों कैपेसिटर में जाएंगे। ये रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये लाल वाला जो है रनिंग है और काला वाला स्टार्टिंग है और सफ़ेद वाला कॉमन है। तो आइए इसे चलाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। ये वाला कैपेसिटर जो ब्लास्ट कर गई है इसके साथ ये लगी हुई थी तो ये बिल्कुल पंखा चल ही नहीं रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। अब इस कैपेसिटर को मैं लगा कर चेक कर रहा हूँ, सप्लाई दे रहा हूँ, इसको सीरीज की सप्लाई मैं दे रहा हूँ, उसी से पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड कैसी है। देखिए दोस्तों ये झटका के साथ चल रहा है, इसका मतलब है ये बहुत बढ़िया स्पीड है। मेरे हाथ से ही मालूम हो जा रहा है कि फ़ैन को सप्लाई देने के बाद से झटका ले रहा है, इसका मतलब है इसका स्पीड बिल्कुल सही है। तो ये रहा कैपेसिटर चेक करने का तरीका दोस्तों। और एक बात और ध्यान देना है आपको अपने पंखों में कि पंखे के साथ बहुत लोग क्या करते हैं कि डबल कैपेसिटर एक साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कैपेसिटर दोनों ख़राब हो या दोनों कमज़ोर हो, दो कैपेसिटर कभी भी फ़ैन में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दो कैपेसिटर फ़ैन में लगाने से पंखा जल सकती है, आपकी कॉयल जल सकती है। और फ़ैन में जो ये कैपेसिटर जो ब्लास्ट कर गया है ये हाई वोल्टेज से अक्सर होते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज से कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाते हैं या कॉयल ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये रहा कैपेसिटर टेस्ट करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।